चाहे ट्रेडिशनल संडे हो, कॉर्नेटो और टर्किश आइसक्रीम या फिर सिंपल ठेले वाली सॉफ्टी, पर ये मीठी डेलिकेसी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करे जाने वाले डेजर्ट में से एक है। इसीलिए इंडियंस की कुल्फी से इटालियन की जेलेटो और जापान की मोची तक पूरे वर्ल्ड में आपको हर जगह कोई ना कोई आइसक्रीम का वेरिएंट जरूर देखने को मिल जाएगा। और भले ही पुराने दौर की आइसक्रीम आज जैसी नहीं थी, पर आखिरकार कैसे हुई थी आइसक्रीम की शुरुआत और कैसे पुराने लोग आइसक्रीम बनाते थे जब इलेक्ट्रिसिटी और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरण इन्वेंट तक नहीं हुए थे। आइसक्रीम के इतिहास के लिए हमें जाना होगा पर्शियन एम्पायर में लगभग 500 बीसी के आसपास, जब पर्शियंस ने पहली बार बर्फ के ऊपर ग्रेप जूस कॉन्सेंट्रेट डालकर खाना शुरू किया था। और उस टाइम पर कोई भी ऐसा उपकरण नहीं था कि वो बर्फ को खुद से जमा पाए, इसीलिए वो बर्फ को माउंटेन के ऊपर हुई स्नोफॉल से इकट्ठा करते थे, जिसके बाद वो इस बर्फ का इस्तेमाल करके ये स्नो डेजर्ट का लुत्फ उठाते थे। और उस टाइम पर ये स्नो से बना डेजर्ट एक आइसक्रीम की तरह कम बल्कि एक सोर्बेट या फिर जो बर्फ का गोला आज हम खाते हैं उसकी तरह ज्यादा था, जिसके बाद जाकर इस शुरुआती दौर की आइसक्रीम की पॉपुलैरिटी पर्शियंस के बीच बढ़ने लगी। और ये डेजर्ट पर्शियन रॉयल फैमिली के बीच भी काफी फेमस होने लगा। और आगे चलकर पर्शियंस रॉयल फैमिली के लिए उनके शेफ्स ने कुक्ड वर्मिसलीज, रोज वाटर, सैफरन और शुगर सिरप का इस्तेमाल करके एक रॉयल डेजर्ट तैयार किया। और ये पर्शियन डेजर्ट काफी हद तक आज इंडिया में बिकने वाले फालूदे की तरह था, पर उस टाइम पर लोगों को एक परेशानी का सामना करना पड़ता था कि उनको बर्फ इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों तक पे जाना पड़ता था, और पहाड़ों से बर्फ लाने पर आधी से ज्यादा बर्फ रास्ते में ही पिघल जाती थी। इसीलिए लगभग 400 BCE के आसपास पर्शियंस इंजीनियर्स ने पहाड़ों से लाई हुई बर्फ को स्टोर करने के लिए ये डोम शेप चेम्बर्स बनाए, जिसे उन्होंने नाम दिया यकचाल। और इस यकचाल को आप एक तरीके का एंशियंट टाइम के लोगों का रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं, जिसके बाद जाकर साल 356 के आसपास ये आइस डेजर्ट पहुंची ग्रीस अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पर, जहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये आइस डेजर्ट पे हनी और नेक्टर डालकर खाना शुरू किया। पर अभी तक के जो आइस डेजर्ट पुराने लोग खाते थे वो एक सोर्बे का ही वेरिएशन था। सोर्बे का नाम एक्चुअली में मिला है अरब वर्ल्ड में पिए जाने वाले ड्रिंक शरबत से, पर 200 AD के आसपास ये आइस डेजर्ट पहुंचा चाइना हान एरा के टाइम पर, जहाँ पर चाइनीज ने इस आइस डेजर्ट का अपना वेरिएशन बनाने के लिए इसमें ओवरकुक्ड राइस और पहली बार मिल्क का इस्तेमाल किया। और मिल्क से बने इस फ्रोजन डेजर्ट की पॉपुलैरिटी चाइनीज रॉयल क्लास के बीच भी बढ़ने लगी, जिसके बाद लगभग साल 800 के करीब अरब वर्ल्ड में मिल्क, क्रीम, शुगर, रोज वाटर और नट्स का इस्तेमाल करके ट्रेडिशनल आइसक्रीम बनाना शुरू हुआ। और उस टाइम पर अरब वर्ल्ड में बनने वाली ये आइसक्रीम काफी हद तक आज की मॉडर्न आइसक्रीम की तरह थी। स्पेशली बगदाद, कायरो और डमास्कस जैसी कंट्रीज में काफी पॉपुलर भी थी। वहीं 16 सेंचुरी के टाइम पर इंडिया में लगभग द ग्रेट मुगल रूलर अकबर के टाइम पर कंडेंस मिल्क, सैफरन और पिस्टैचोस को मेटल कोन्स में फ्रीज करके आइसक्रीम का इंडियन वेरिएशन कुल्फी इन्वेंट हुई, जिसको ओरिजिनली उस टाइम पर किल्फी के नाम से भी जाना जाता था। और उस टाइम पर कुल्फी बनाने के लिए जो बर्फ इस्तेमाल करी जाती थी उसको जमाने के लिए मुगल शेफ्स पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते थे पानी को बर्फ में जमाने के लिए। और इस कुल्फी बनाने के प्रोसेस का जिक्र मुगल्स की ऐने अकबरी नाम की किताब में भी मौजूद है, जिसके बाद आइसक्रीम की बढ़ती डिमांड को देखते हुए साल 1846 में USA की न्यू जर्सी में विलियम यंग नाम के इन्वेंटर ने पहली हाथ से चलाने वाली आइसक्रीम मशीन इन्वेंट करी, जिसके बाद साल 1851 के आसपास अमेरिका में शुरू हुआ आइसक्रीम रेवोल्यूशन और अमेरिका के गली गली आइसक्रीम की बिक्री होना शुरू हुई। साल 1893 में एक संडे के दिन चेस्टर प्लैट नाम के एक शख्स ने अपनी शॉप में वनीला आइसक्रीम के ऊपर चेरी सिरप और कैंडी चेरी सर्व करी, जिससे जन्म हुआ पहली आइसक्रीम संडे का, जिसके बाद साल 1904 के आसपास सेंट लुई नाम के मेले के दौरान एक आइसक्रीम सेलर के पास आइसक्रीम की ज्यादा बिक्री की वजह से उसके पास प्लेट्स कम पड़ गई, तो आइसक्रीम वेंडर ने बगल में मौजूद वॉफल वेंडर से एक
कोन शेप का वॉफल बनवाया और आइसक्रीम को उन कोन्स में सर्व कर बेचना शुरू किया। उस आइसक्रीम वेंडर का आइडिया फौरन ही हिट हो गया, जिससे जन्म हुआ फर्स्ट आइसक्रीम कोन का। साल 1926 के आसपास कमर्शियल फ्रीजर्स और भी बेहतर हो गए, जिसकी वजह से आइसक्रीम इंडस्ट्री और भी फलने फूलने लगी। और इस आइसक्रीम के मास प्रोडक्शन की वजह से आइसक्रीम अमेरिका के हर एक एरिया में पॉपुलर हो गई। और इसी बीच अमेरिका में एक और आइसक्रीम का वेरिएशन काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा, जी हाँ, द सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम। और जगह जगह रेस्टोरेंट्स और कैफेज में सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम वेंडिंग मशीन इंस्टॉल होना शुरू हुई। साल 1926 में ही इंडिया की फेमस सोडा फाउंटेन कंपनी वाडीलाल्स ने आइसक्रीम मशीन्स को जर्मनी से इंपोर्ट किया और इंडिया में आइसक्रीम का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया, जिसके बाद इंडिया में गली गली आइसक्रीम बिकने का चलन भी शुरू हुआ। इससे पहले इंडियन गलियों में साइकिल में मटका रख के कुल्फी वाले कुल्फी बेचने निकलते थे। फिर जाकर साल 1934 में पहली बार चॉकलेट कवर्ड आइसक्रीम बार एस्किमो पाई के नाम से इन्वेंट हुई। ये चॉकलेट में डूबी आइसक्रीम बार्स हर जगह बहुत ही पसंद की गई। साल 1959 में दुनिया में सॉफ्टी या कोन में सर्व हुई आइसक्रीम की डिमांड काफी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इटली के एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर स्पीका ने इन सॉफ्टी को जगह जगह इजिली मार्केट में अवेलेबल करवाने के लिए वेफर को चॉकलेट के साथ इंसुलेट करके स्पेशल पैकिंग में आइसक्रीम बेचना शुरू किया। और आज इस स्पेशल पैकेजिंग वाली सॉफ्टी को हम द फेमस कॉर्नेटो के नाम से जानते हैं। और इस कॉर्नेटो को आगे चलकर यूनिलेवर कंपनी ने खरीद लिया और यूनिलेवर ने वर्ल्ड वाइड फेमस कॉर्नेटो को क्वालिटी वॉल्स ब्रांड के अंदर बेचना शुरू किया। जिसके बाद पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक आइसक्रीम ब्रांड जैसे कि बास्किन रॉबिन्स, बेन एंड जेरी जैसे और भी कई ब्रांड लॉन्च हुए और साथ ही एक से बढ़कर एक फ्लेवर्स जैसे कुकीज एंड क्रीम, मिंट चॉकलेट, चॉकलेट चिप, कॉफी और रॉकी रोड लॉन्च हुए। पर यही नहीं बल्कि आइसक्रीम की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए आइसक्रीम मेकर्स ने एक से बढ़कर एक अजीबो गरीब फ्लेवर्स जैसे पिकल्ड मैंगो, घोस्ट पेपर, फुआग्रा, वसाबी फ्लेवर और मार्गरीटा पिज्जा फ्लेवर में आइसक्रीम लॉन्च करे। पर इनके अजीबो गरीब फ्लेवर्स की वजह से आइसक्रीम मेकर्स ने इन्हें जल्द ही बंद कर दिया। इस टाइम पर आइसक्रीम इंडस्ट्री पूरी दुनिया में 7,700 करोड़ जितनी बड़ी है और वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी टॉप 3 सबसे ज्यादा बिकने वाले आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं। तो आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है और सबसे अजीबो गरीब आइसक्रीम आपने कौन सी खाई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।